हेलो फ्रेंड्स, तो आज के व्लॉग में आप सभी का सोनमग में स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सोनमग की कुछ अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस। अभी हमें सरबल विलेज में, जिसे सोनमर्ग में कश्मीर का आखिरी विलेज कहा जाता है, विलेज में घूमते हुए एक बहुत ही स्वीट सी आंटी ने हमें अपने घर में इनवाइट किया और अपने डे टू डे लाइफ से इंट्रोड्यूस कराया, साथ ही हमें चाय भी ऑफर की। रोटी हाँ जी, इसमें बनाता चावल। अच्छा, इसमें बनाता सब्जी, इसमें बनाता चावल, इधर बनाता रोटी, इधर बनाता चाय। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियों से ग्रीनरी से घिरा हुआ है। यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। अभी हम गांव को एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक फैमिली के साथ में हम ऑलरेडी काफ़ी बातचीत कर आए हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया, चाय पिलाई साथ बैठाकर, और एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो वो एक जरिया था उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने का, उनकी डे टू डे लाइफ के बारे में उसे कनेक्ट करने का। विलेज विजिट करने के बाद हम पास ही एक स्ट्रीम देखने जा रहे हैं। स्ट्रीम का फ्लो बहुत ही तेज था और यहाँ पे थोड़ी मस्ती करके हम सर्वे विलेज से चलते अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। अभी हम पहुंच गए हैं सोनमर्ग की एक और अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन देखने के लिए, जो है लजपत 3। फ्रेंड्स, अभी हम हैं एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी पर विजिट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है हिमालयन हर्बल रिजॉर्ट। तो लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी, बिजी सिटी मार्केट से बिल्कुल अलग हटकर, और यहाँ से व्यू बहुत ही शानदार है। ताजीवास ग्लेशियर का भी, जिसके ट्रैक कर जाते हैं लोग, वो भी बिल्कुल सामने यहाँ पे देख सकते हैं। रिजॉर्ट में ढेर सारे झूले हैं जहाँ पे आप मस्ती कर सकते हैं और घंटों तक यहाँ बैठ के यहाँ की ब्यूटीफुल व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। आइए आपको करवाते हैं इस प्रॉपर्टी का एक रूम टूर।
अगर आप यहाँ आके स्टे करते हैं तो आप अपने रूम से ही थाजास ग्लेशियर का ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यह है इस रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट जहाँ पे आप ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक डिशेस और ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। कश्मीर के सफर पर मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।